स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 13, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 13 ए का क्वेश्चंस नंबर 10 करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 10। देखिए क्वेश्चंस नंबर 10 क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोट थीटा दिया हुआ है इक्वल टेन थीटा प्लस कोट थीटा आरएचएस वाला टर्म दिया हुआ। तो एलएचएस में टर्म आपको दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या होगा, चाहे तो एलएचएस से टर्म से चलकर आरएचएस में प्रूव कर सकते हो, नहीं तो आरएचएस और एलएचएस में दोनों में चलकर दोनों का इक्वल कर सकते हो। दो कॉन्सेप्ट आपके पास है, और आपको फॉर्मूला देखिए कैसे यूज करता हूं। सबसे पहले जहां जहां आपको टेन दिख रहा होगा या टेन दिख रहा होगा तो वहां पर हम लोग चेंज कर देंगे, और हमें कोशिश ये करना होगा कि साइन और कोस में ज्यादा से ज्यादा चेंज करके हमें सोल्व करने का कोशिश करिएगा। तो देखिए, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, एलएचएस वाला टर्म मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारा एलएचएस दिया हुआ। हमें करेंगे क्या इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा को रहने दो और ये टेन को मैं चेंज कर देता हूं। टेन को किस में चेंज करेंगे, साइन थीटा। जैसे कि आपको आपको पता होगा कि कोसिन रिलेशन में फॉर्मूला क्या होता है, टेन का साइन बाय कोस होता है। तो देखिए यहां पर साइन बाय कोस लिखेंगे, कोस थीटा प्लस यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा कॉपी कर दो, और यहां पर कोट को क्या हो जाएगा, यहां पर कोट का हो जाएगा कोस थीटा बाय, यहां पर लिख सकते हो साइन थीटा। एक चीज आपको समझ में आया, कोट को कोसेट रिलेशन में होता है, कोस बाय साइन होता है, प्लस ये एज इट इज रहने दो, ठीक है। ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर में साइन से थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू थीटा बन जाएगा, क्यू थीटा बाय यहां पर कोस थीटा बनेगा, इस तरह का रिजल्ट दिख रहा होगा। सेम साइन कोस स्क्वायर थीटा में कोस से मल्टीप्लाई करो तो कोस क्यू थीटा आ जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा, ए साइन थीटा हो जाएगा प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सिंपल सा ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सारा को मैं एलसीएम ले लेता हूं, क्या कर रहा हूं एलसीएम, देखिए तो सारा को एलसीएम ले ले रहा हूं। तो एलसीएम लेने पर देखिए क्या होगा, कोस थीटा इंटू यहां पर हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए तो कोस से कोस कैंसिल, यानी कि साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यू थीटा के साथ, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा ये इस तरह से हो जाएगा, ये साइन क्यू थीटा तो पहले से है, इस तरह से हो जाएगा प्लस यहां पर देखिएगा साइन से साइन कैंसिल, यानी कि कोस यहां पर बच गया तो कोस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कोस क्यू थीटा के साथ। और यहां पर देखिएगा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये पहले से था, ठीक है, ये पहले से था और ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर ये पूरे टर्म यहां पर लिखा जाएगा, क्या लिखाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये ब्रैकेट ना लो तो अच्छा रहेगा, ये पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए इसके साथ टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आई थिंक यहां तक तो समझ में आया होगा क्या क्या उसे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या बनेगा, यहां पर बनेगा साइन फोर थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपको कोस फोर थीटा प्लस यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, सिंपल से इसमें पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और पूरा ये तो रहेगा एलसीएम वाला फॉर्म में, कोस थीटा इंटू साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय चल रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय चल रहा हूं। तो देखिए तो अब यहां पर समझिएगा ये कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, देखिए तो साइन फोर थीटा प्लस कोस फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या फॉर्मूला, कि ए प्लस यहां पर बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो देखिए ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, तो यही चीज आपको पूरे को क्या पढ़ो इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा टू इंटू,
यहां पर सिंपल सा क्या लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपको किसका फॉर्मूला बन रहा है, इस चीज को मैं एक्सपेंड किया हूं सिर्फ कि साइन इसको पूरे को ये पढ़ो, साइन स्क्वायर थीटा को ए पढ़ो तो ए स्क्वायर, पूरे को ये बी पढ़ो तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखने नहीं जाऊंगा, आपको डायरेक्टली समझ जाना होगा कि ऐसा होता है। तो ये चीज को आपको समझ कर यहां पर लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पूरे के लिए मैं लिख दिया। ये पूरे के लिए मैं क्या लिखा हूं, इस तरह से लिखा हूं। उसके बाद क्या करेंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप में हम करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बाहर में थीटा ये आपका स्क्वायर भूल जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज वन होता है, ठीक है। तो वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, तो मैं एक मेंशन कर देता हूं, ये आपको साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा वन का यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें करना क्या होगा, लिसन, यहां पर देख सकते हो आपको वन बाई कोस, आप सिंपल वे में कर दोगे वन बाई कोस थीटा इंटू यहां पर वन बाई साइन थीटा। तो ये आपको किसमें चेंज हो जाएगा, वन बाई कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और इंटू वन बाई साइन यहां पर कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। ये चीज आपको यहां पर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम आर एच एस वाला टर्म से चलेंगे, तो आर एच एस वाला टर्म क्या है दिया हुआ यहां पर, अगेन यहां पर चलेंगे, अगेन आर एच एस वाला टर्म, आर एच एच एस वाला टर्म देखेंगे, तो देखेंगे टेन थीटा प्लस कोट थीटा, राइट ना, टेन थीटा और ये कोट थीटा लिख सकते हो, देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा और कोट थीटा लिखेंगे। तो इसका हम चलेंगे सिंपल सा क्या हो जाएगा, टेन को साइन बाय कोस में चेंज कर दो, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा और ये साइन थीटा में चेंज कर दो, सारे को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको समझ में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है वन होता है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेपरेट मैं कर देता हूं, वन बाई कोस थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा, तो आपको क्या हो जाएगा, वन बाई कोस यहां पर हो जाएगा सेक थीटा और यहां पर वन बाई साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो क्या आपको समझ में आया कि जितना एलएचएस हमें प्राप्त हुआ उतना आरएचएस भी टर्म प्राप्त हुआ, तो हेंस कह सकते हो कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आपको ये पूरी तरह से प्रूव हो गया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।